मुश्किलों के दौर में वरदान बनकर समाज की सेवा में योगदान देने वाले मेहंदीरत्ता परिवार के ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता ने विदेश में रहकर पिछले 6 वर्षों से जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का भविष्य खराब ना हो उनके लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इसी कड़ी के चलते बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की श्रृंखला के तहत चल रहे छात्रवृत्ति समारोह का विशाल आयोजन मेहंदीरत्ता परिवार की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की अध्यक्षता में ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता की देखरेख में लाला हरबंस लाल फॉर्म नजदीक नाहला पुल नाहला रोड बस्ती दानिशमंदा में किया गया। स्वर्गीय लाला हरबंस लाल मेहंदीरत्ता व माता शांति देवी मेहंदीरत्ता की याद को समर्पित इस करवाए गए विशाल छात्रवृत्ति समारोह में मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, आप नेता राजन अंगुराल, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, मेंबर एससी कमीशन राजकुमार हंस, सीनियर भाजपा नेता मोहिंदर भगत, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, उद्योगपति तिलक राज खिंदर, ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता के भाई रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, समाज सेवक वेद कुमार, राजिंदर कुमार मंगी, मोहित अरोरा, प्रेरणा अनमोल निखिल ने शिरकत कर अपने कर कमलों से मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाली लगभग 720 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। समारोह में सभी आए हुए गणमान्यों का स्वागत रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता, समाज सेवक राकेश कश्यप, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा अनमोल निखिल की ओर से किया गया। समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मेहंदीरत्ता परिवार को बधाई दी और खासकर ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता व उनके भाई रविंदर कुमार मेहंदीरत्ता के इन कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से ही बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सुरक्षा और सम्मान देना होगा। जैसे मेहंदीरत्ता परिवार इनके मान सम्मान और पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर आरएसएस से डॉक्टर सतीश शर्मा, सुमेश लुथरा, बलदेव राज चौहान, शालू जरेवाल, मदन जालंधरी, पवन हंस, मदन लाल, अजय यादव, कुणाल अरोड़ा, गुलजारी लाल, प्रताप सरंगल, पंकज सरपाल, जसवंत गाखल, यशपाल पवार, महेंद्र सिंह, राजीव लुद्रा, सुरेश लुद्रा, सतपाल पप्पू सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
इस नेक काम वास्ते बच्चों की भलाई वास्ते ये काम करते रहते हैं अपनी दिल की गहराइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना। मैं थोड़े ही दिन पहला दो दिन तीन पहला भोपाल के गया 4000 बच्चों का एक मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर वास्ते असं काम किया। ये सेंटर गवर्नमेंट का हैगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। मैं शीतल अग्रवाल और रमन अरोड़ा साहब को ध्यान लेना चाहना कि अज असी काम करा ये जो साड़ा फ्यूचर है जो बच्चे ने अगर उन्होंने एजुकेशन वास्ते और उन्होंने आने वाले जेडे कि लाइफ के सैटल होना चाहते हैं जे रोजगार के तौर पर या बिजनेस के तौर पर छोटा भी काम करके अपनी जीविका कमा के अपने आप को जीवन में एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं देख के एक मन में बड़ा सुकून मिल रहा है कि जरा समाज अक्सर कहता है कि असं बेटियों के नाल विदकरा करने असं बेटियों नालों नूं ज़्यादा प्यार करने हैं। अज परिवार ने और समाज ने दस दिता है कि दुनिया के अगर सब तो सत्कारयोग पूजनीय कोई है तो कन्या है, कन्या देवी हैं और जो भी इंसान की सेवा करता है इन्होंने भविष्य की चिंता करता है उसको समाज यश मिलना तय है। कुड़ियां पैदा नहीं होंदिया, बेटियां पैदा नहीं होंदिया, ख्याल रखियो जो परमात्मा बहुत खुश होंदा उस परिवार से उस घर के बेटी भेजता। इस करके सानू फकर है, सानू मान है कि साडे घर के भी बेटियां हैं और असी इंसानियत की गल करे सी जो मेहंदी पत्ता परिवार है इन्होंने जो इंसानियत ही है पिछलिया सरकार भी आई उन्होंने भी बहुत बहुत वादे किए भी असं ये करा बच्चियों से वो करा बच्चों फ्री पढ़ाई देंगे। पर आम आदमी पार्टी जिन्हों का पहला विजन यही है अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा इंसान की गल कर रहे कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बहू जी अकेले ही जो खाका कर सदा गुजरान करते हैं, वो दानव हैं वो मानव चोल का अपमान करते हैं, पतित जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसका मतलब है जो इंसान मनिया में को बहुत पैसा है, सारी दुनिया को बहुत पैसा है, बड़े लोगों को बहुत पैसा है, जो अच्छा इंसान अच्छा दिल वाला इंसान है मैं मेहंदी दत्ता परिवार को बहुत बहुत बधाई देना जिन्होंने अपनी नेक कमाई के विचों तियां नूं कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दे उत्ते दिता है। जिस इंसान ने तुहानूं सारिया सानूं सारिया नूं इकट्ठा कीता है मैं उस इंसान का धन्यवाद करता। अपने वीर प्रमोद कुमार अष्टियत जिहड़े बैठे है उन्होंने वड्डे भाई मेरे बहुत ही सत्कारयोग रविंद्र कुमार मेहंदी रत्ता दे मैं परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जिन्होंने अपने बच्चों ऐसी शिक्षा दी अज समाज के विच सानू विचरण के लिए अज जो राजनीति की पार्टियां तो जो आगू घर आए हैं समाजिक लोग आए हैं जो अज इस मंच से बैठे है मेरे पिता तुल्य अगर अज मैं इस लायक हो अगर अज मैं खड़े होकर तुहाडे सामने बोल रहे हैं और इंसान का बहुत बड़ा योगदान है। जिस इंसान ने मैनू इस जगह पर पहुंचाया मैनू अज बोलन लायक बनाया मेरे पिता तुल्य बहु शीतल विज जी का मैं धन्यवाद करता क्योंकि मैनू इस हल्के की जिम्मेवारी देने उन्हों का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान दो तरीके का है, मैं फाइनैंशली कहना स्ट्रोंग नहीं सी तो मैं
इलेक्शन लड़न के काबल भी नहीं सी, पर मैं इन्होंने चुनिया, मेरी सिर के उत्ते हाथ रखा, मेरे परिवार के उत्ते, अज मैं समाज के जी सेवा करन दे लायक होया। ते जे मैं कुछ भी कर रहा हां ओहदे पिछे बॉबी का बहुत वड्डा योगदान है कि साडियां जिहड़ियां बेटियां इत्थे बैठियां इह कोई स्कॉलरशिप दियां नहीं जरूरत भुखियां गईआं, इन्हां दे मां बाप इस पैसे दे नहीं है कि जो अज मेहंदी रत्ता परिवार नूं दे रहा है, इन्हां दी हिम्मत इन्हां दा जज्बा कि समाज दे विच लोगों नूं मिसाल पैदा होवे कि जे मेहंदी रत्ता परिवार इन्हां धीआं दी सेवा कर सकदा है ते असीं लोग वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बैठ के गए वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्री दे मालक है, असीं रोजगार दे तौर दे उत्ते किसे नूं दुखी वध नहीं दिंदे, अपने काम तों वध नूं सौ रुपया नहीं दिंदे, पर अज मेहनती रत्ता परिवार करोड़ां रुपया अज साडे समाज दे विच जलंधर दे आस पास दे जिहड़े नौ हल्के है अपनी मेहनत दी कमाई दे विचों अज इन्हां बच्चां दा हौसला वधा रहे हैं। इलाके दे मेरे छोटे भी शीतल अंगराल जी और बहुत ही सत्कार योग सेंट्रल हल्के दे मेरे छोटे भी एम एल ए रमन अरोड़ा जी और साडे मेहंदी रत्ता परिवार के सारे मैंबर और शीतल अंगराल जी के बड़े भाई साहब राजन जी साडे मिंदर भगत जी केंद्र साहब अंश साहब और एक्स सीनियर डिप्टी मेयर साडे पाटिया जी मिंदर भगत जी और साडे सुमेश जी आर एस एस तो रॉबिन सांपला जी प्रदीप जी आर एस एस तो होर भी सारे भी जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकिया वेकेश कश्यप जी ये बहुत वड्डा उपराला है शीतल जी ने बोलन मैं की बोला जो शीतल जी और रमन जी सारे ने मेहंदी रत्ता परिवार बारे और ये जो स्कॉलरशिप के उपराले बारे बोल चुके ने और मेहंदी रत्ता परिवार और उन्होंने भाई साहब जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमोद जी ये उन्हों का बहुत वड्डा योगदान है इस मेहंदी रत्ता परिवार का, उस तो भी वड्डा साडे भाई साहब का बहुत वड्डा योगदान है क्योंकि फिजिकल मेहनत घर घर जाके मैं देखता नहीं उन्होंने कई साल सारिया बच्चियों डिजर्विंग कैंडीडेट्स लभना यह भी बहुत वड्डा काम है। छोटी गल नहीं है रविंदर जी उन्होंने बेटा दिन रात यही सेवा करते हैं, पहले लभदे ने फिर उन्होंने लैके आते हैं फिर उन्होंने तिल फुल जो भी उन्होंने सेवा करते हैं, ये छोटा उपराला नहीं बहुत बड़ा उपराला दोनों तरफा का, एक भरा उतों हेल्प कर रहा ये परिवार इतने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा 800 बच्चे अज तक स्कॉलरशिप दे चुके, दो तीन बारी पहला भी मैं आने का मौका मिले तो मैं परमात्मा के अरदास करना कि इन्होंने परिवार को चढ़ती कला च रखी इन्होंने सिर पर मेहर भरिया रखी और इन्होंने शक्ति नहीं इस तरह सेवा कर दी और तुम बड़े भागा लो थोड़े इलाके का जो एम एल ए है ये बड़ा बहुत परमठ तुम चुने मैं भी परमात्मा की अरदास करना इन्होंने भी चढ़ती कला च रखी उन्होंने ब्रदर दोनों उम्मीद बड़ा सहयोग कर रहे हैं दिन रात क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ आन जान पिछों इलाका संभालन राजे छोटे भरा का बहुत बड़ा योगदान है। साढ़े बहुत धार्मिक रमन जी जोड़े परमात्मा नाल पिछले कई वर्षों तो जमीनी स्तर तो जुड़े आ रहे हैं और ट्रेना दे विच मैं देखता रहा कभी बालाजी महाराज के साला साहब कभी कितने जड़े लोग नहीं भी दर्शन कर पाते उ आप करा तो ले जाना उन्होंने सीटा बुक करानियाँ
कई हमारे हाथों इस गल की सेवा भी करते आ रहे हैं, इस गल का भी बड़ा इन्हों का उपराला। और इस गल परमात्मा ने इन्हों शक्ति दी सी, इन्होंने उपयोग किया और जिन्हें इन्होंने भी दर्शन कराया उन्होंने शीसा इन्होंने अज एम एल ए बनने का बहुत वाडा हाथ है। मैं इन्हों का भी बहुत धन्यवाद करता और मेहंदी रत्ना परिवार को एक बार फिर बधाई देना। मैं इतने बुला के अच्छ सारे इतने बुला के मान बख्शा और बहुत बहुत धन्यवाद है, तय दिल तो धन्यवाद है। जय भी, जय माता जी, जय श्री राम। सब का शुक्रिया। और नाल सेहत जहाँ लड़कियाँ मैं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बधाई देना जी क्लास वन पास की है, टेंथ और प्लस टू। और बच्चों मैं दसदा कि अज सा लास्ट ग्रुप से लड़कियों को बुला के उन्होंने मोटिवेशन करा दा। बच्चों आ पूरे साढ़े तीन महीने बाद कहने का मतलब एक जुलाई को साड़ा प्रोग्राम चालू हो रहा है, लगातार अज 15 अक्टूबर और लगभग पूरे साढ़े तीन महीने लग स बच्चों सानू ताडे कोलों पाउण तों पहले असीं लगभग 5360 लड़कियों बच्चों अपने ऑफिस बुला के 80-90 बच्चे मोटिवेशन किया।